दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूं और इस वक्त कनाडा में 12:10 चल रहे हैं और लाइन पे हैं मेरे अंश, जो स्टूडेंट हैं दिल्ली से। और अंश का मेरे को तो याद ही नहीं है एक्चुअली। अंश का एक वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हो गया था, स्टडी वीज़ा, और अंश ने दोबारा कुछ चेंजेस करे हैं और दोबारा उनको स्टडी वीज़ा आज मिल गया है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट मिल गई है। रिसर्च हम करते रहते हैं क्या चक्कर हो रहा है क्या, और पता करते हैं, अंश से पता करते हैं कि पहले उनका वीजा क्यों रिफ्यूज हुआ और उसके बाद क्या कैसे हुआ। अंश, 2 मिनट बता दें, आपने क्या क्या करते हैं, जितना भी आपका जो बता सकते हैं आप, आपका आपका बिजनेस है ना, आपका बिजनेस करते हैं आप? जी 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 सर, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ आप और सेल्फ? मेरा ओके, गुड। जी, और मैं दिल्ली में ही बेस्ड हूँ। मेरा मतलब मैंने 2020 में पहले वीजा अप्लाई किया था, नवंबर में, स्टडी वीजा, अच्छा, जो कि 2 मंथ्स के बाद रिजेक्शन आ गई थी। और उन्होंने वही रीजन दिए थे कि आप कनाडा छोड़ के वापस नहीं जाओगे और आपका ये कोर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 13 इयर्स का स्टडी गैप था। ऑल्दो मैं काम कर रहा था, 13 साल से मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, बट वो जो एक स्टडी गैप है वो तो मेरा था ही, क्योंकि मैंने उसके बाद कुछ करा नहीं था, पढ़ा नहीं एग्जैक्टली। आप क्या किस चीज का काम करते हैं, फैक्ट्री आपकी है, क्या क्या काम बनाते, क्या बनाते हैं वहां पर दिल्ली में? जी जी सर, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मतलब टियर 1 इंडस्ट्रीज के लिए, सुजुकी वगैरह के लिए, मारुति के लिए, मतलब मैं मशीनरी पार्ट्स या ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाता जी, अच्छी बात है। और आपने पढ़ाई क्या करी है, आपने इनिशियली दिल्ली में कौन सी अपने फाइनल पढ़ाई करी है? हूँ। मैंने बीटेक किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक, दैट्स गुड। बीटेक मैकेनिकल किया है। और यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग के मास्टर्स करने जा रहे थे तो पहली पहली बार उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया और रीज़न दिया कि आप वापस नहीं आओगे। तो फिर उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन में क्या चेंजेस करें आपने? दूसरी एप्लीकेशन। सर मैंने पहले तो SDS में एप्लीकेशन लगाई थी, क्योंकि पहली मेरी non-SDS थी। जी फिर कुछ मेरे आपसे भी कंसल्टेशन लिया था मैंने, तो मेरे फाइनेंशियल्स वाला जो पार्ट था वो मतलब क्लियर नहीं था, वो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही। एक वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपने बताया था, इफ यू रिमेम्बर, कि मेरे को एक मंथली एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्योंकि उन ऑफिसर्स को ये पता होना चाहिए कि इतने साल से अगर बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके अकाउंट में क्या सेविंग्स हैं, क्या ट्रांजेक्शन है, राइट? ताकि यहाँ आने के बाद ये कैसे सपोर्ट कर पाएगा अपने आप को। जी। सो ये बहुत बड़ा चेंज था। और एक ये एक्चुअली और मैं आपको जी तो, मैं यहीं पर रोक दूं जरा, इस रीजन पे यहीं पर रोक दूं जरा। मैं कई बार देखता हूं कि जैसे इंडिया में जिनकी अपनी दुकान होती है, फैक्ट्री होती है, अपना काम होता है, किसी की दुकान पे बैठे हैं, फादर की दुकान पे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, तो वो कहते जरूर है कि मेरा अपना बिजनेस है, लेकिन वीजा ऑफिसर को समझ में नहीं आता कि बिजनेस कैसा है, जहां पर उनकी कोई मंथली इनकम या स्टेटमेंट या अर्निंग की कोई प्रूफ नजर नहीं आ रहा। तो गोलमोल होता है सारा, उसमें गले में जितने पैसे आ गए इतने निकाल लिए या शो कर दिया। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं जो मर्जी शो कर दो जी, देखी जाएगी क्या करना जी, थोड़े कम से कम शो करो। तो वो वीजा ऑफिसर, वो धांधली समझ में नहीं आती इन लोगों के भी, ये इनकी इनकम क्या है। तो ये एक बड़ा डिफेक्ट है मैं समझता हूँ, जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट्स हैं वो। तो आपने ये कर लिया, अच्छी बात है। दूसरा क्या चेंज किया आपने? दूसरा सर मेरा SOP, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम SOP लगाया था मेरे कंसल्टेंट ने, सो कॉल्ड सब कंसल्टेंट जो इंडिया में बहुत सारे हैं, तो वो उन्होंने लगाया था यूनिवर्सिटी को, यू नो, मतलब वो सारा का सारा ना इंक्लाइंड था कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को कैसे हम लोग कन्विंस करें कि मैं अच्छा आफ्टर 13 इयर्स में एकदम से कैसे नींद से जागा और मुझे मास्टर्स करने का ध्यान आया, राइट? जी, तो उसमें मेरे फ्यूचर प्रोजेक्शंस वगैरह क्लियर नहीं थे, वो बहुत ग्रे एरिया था कि मैं वापस आने के बाद ये कोर्स करने के बाद करूंगा क्या एंड ऑल, जी 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 इंडिया क्यों आऊंगा मैं, तो ये चीजें क्लियर नहीं थी। फिर मैंने GCMS नोट्स भी ऑर्डर किए थे, केप्स जी नोट्स वगैरह जिसको बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने 3 पॉइंट रेज किए थे वीजा ऑफिसर ने। एक तो फंडिंग का पार्ट था, वो सबसे मेन पार्ट था, वो सबसे मेन पॉइंट था। दूसरा उसने ये बोला था कि भाई आपका वापस आने के प्रोस्पेक्ट हैं जो ये कोर्स करने के बाद, वो इतने ब्राइट नहीं दिख रहे आपके SOP से, आपकी फाइल से। तो जी वो सब चीजें मैंने दोबारा से, मतलब एक दोबारा से SOP तैयार किया, जिसमें मैंने अपने फाइनेंशियल दिखाए, फिर मैंने दिखाया कि मेरी होम टाइप वगैरह क्या है यहाँ पे,
ऑल दो मेरे कोई मतलब लाइक लोगों को बहुत डाउट होता है कि हमारी तो प्रॉपर्टी नहीं है जी यहाँ पे, तो हम होम टाइल्स कैसे दिखाएं, तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब मेरे केस में तो एट लास्ट की ये चीज क्लियर है कि भाई अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है या आपके नाम कोई एसेट नहीं है तो इट डजंट मीन कि आपकी होम टाइल्स स्ट्रांग नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने करी। एक्चुअली मैं कई बार लोगों को बताता हूँ कि लोगों ने एक्चुअली ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक धंधा सा बन गया है कि भाई सीए से रिपोर्ट लगाओ प्रॉपर्टी कितने की है उससे अमेरिका के, भी ऐसे तो प्रॉपर्टी के बेस से वीजा कहाँ मिलते हैं बॉस। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि आपकी भी प्रॉपर्टी के टाइज नहीं इतने स्ट्रांग होने के बावजूद भी आपको वो आपको वीजा मिल गया। बिल्कुल ठीक नहीं, है कंसल्टेंट्स का सर बेसिकली इंडिया में तो ये चल रहा है, नहीं जी आपका तो स्टडी गैप बहुत ज्यादा है, आपका स्टडी गैप बहुत ज्यादा है। एक स्टडी गैप भी इन्होंने एक हवा क्रिएट कर दिया है यहाँ पे इंडिया में, स्पेशली पंजाब बेल्ट को देखो तो वहां तो बहुत ही ज्यादा है, वो दो दो साल के भी डिफरेंस को स्टडी गैप बता देते हैं, यू नो, तो इट्स नॉट लाइक दैट जी 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 अच्छी बात। एग्जैक्टली। जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और आपका वीज़ा लगा बड़ा अच्छा वो है मौका है आपका। नहीं, सर मैं तो बल्कि आपको थैंक यू इसलिए बोलना चाहता था कि क्योंकि जो आपने पॉइंट्स बताए ना वो वैलिड पॉइंट्स थे, मैं अगर हो सकता है मैं उनको ध्यान में ना रख के अगर वीजा अप्लाई करता ना तो मुझे नहीं लगता आता पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि तो वो पॉइंट ने मेरे फर्दर भी यू नो मेरी पर्सनल लाइफ में भी मेरे फाइनेंसिस को एक अच्छा पिक्चर देने में बहुत हेल्प करेंगे मेरी, जी, और किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे को आई थिंक ये करना चाहिए। सही बात है सही बात है। ठीक है चलो, थैंक यू। हे थैंक यू अंश फॉर कॉलिंग बैक एंड आई विश यू वेल, और आप कनाडा कनाडा आओगे तरक्की करोगे। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर, ओके बाय। बाय बाय।